स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। और शुरुआत करेंगे लखनऊ की खबर से, जहां कैंसर इंस्टीट्यूट का नाम बदल काम जो है नाम बदला है मगर काम नहीं बदला। इंस्टीट्यूट के निदेशक शालीन कुमार पर आरोप हैं। बिना ऑर्डर के 4 करोड़ का सामान खरीदने का आरोप है। लखनऊ से खबर, हाउसकीपिंग के लिए अस्पताल में 5 करोड़ का टेंडर, 22 करोड़ का लीनियर एक्सलेटर 27 करोड़ में लिया गया है। भ्रष्टाचार की शिकायत शासन में पहुंची है। लखनऊ के कैंसर इंस्टीट्यूट का यह मामला है। कैंसर इंस्टीट्यूट का नाम बदला है पर काम जो है वो नहीं बदला है। भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। इंस्टीट्यूट के निदेशक शालीन कुमार पर आरोप लगे हैं। बिना ऑर्डर के 4 करोड़ का सामान खरीदने का आरोप है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे जुड़ गए लखनऊ से। मनीष, एक नया मामला सामने आया है, 5 करोड़ का टेंडर है और कुछ सामान उन्होंने बिना ऑर्डर के ही खरीद लिया है, क्या है पूरा मामला आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, एक तरफ जहां सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में लगी हुई है, वैसे लखनऊ जैसे शहर यानी राजधानी का ये मामला है जो बताने जा रहे हैं। यार इसे समझ के चौंकेंगे आप कि लखनऊ कैंसर इंस्टीट्यूट, जिसे करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके बनाया गया, अभी आपको याद होगा कोविड के सेकेंड वेव में खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे वहां पर, योगी आदित्यनाथ ने जाके वहां 100 बेड के कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था, बड़ी चर्चा हुई थी। और सबसे बड़ी बात, अभी एक हफ्ते पहले ही आपने सुना होगा कि कैबिनेट की बैठक में उस इंस्टीट्यूट का नाम बदल के कल्याण सिंह के नाम पर रखा गया है। अब उस इंस्टीट्यूट की हालत ये है कि वहां पे आप अंदाजा लगाइए कि अगर उस इंस्टीट्यूट में आप चले जाएं तो अरबों रुपए खर्च करके बनाए गए इस इंस्टीट्यूट में आपको मुश्किल से महज 8 या 10 मरीज एडमिट मिलेंगे। कहने के लिए 500 बेड का अस्पताल है लेकिन वहां पर सिर्फ 60 बेड अभी तक फंक्शनल है, जिसमें कि कभी आज तक, अभी तक जब से वो इतिहास 2018 से इंस्टीट्यूट चल रहा है तब तक 60 बेड पर एक साथ कभी मरीज भर्ती नहीं हुए हैं। दूसरी कहानी उसके निदेशक की है। निदेशक पहले पीजीआई में तैनात थे, पीजीआई के बाद उन्हें यहाँ का डायरेक्टर बनाया गया, पहले भेजा गया उसके बाद डायरेक्टर बना दिया गया। अब निदेशक साहब के बड़े बड़े कारनामे इस समय चर्चाओं आम हुए हैं। सबसे बड़ी बात, 500 बेड का अस्पताल जिसमें सिर्फ 60 बेड फंक्शनल है, उस अस्पताल की मैं आपको बात बता दूं कि वहां पर जो सर्विस का काम है, सर्विस के काम के लिए 5 करोड़ रुपए का टेंडर साल का दिया गया है। मतलब वहां पर हाउस कीपिंग, बेड साफ सफाई में 5 करोड़ रुपए साल के खर्च होते हैं। दूसरी थी, एक छोटा सा उदाहरण और बताएं, एक लीनियर एक्सलेटर आता है जो मरीजों की सिकाई के काम आता है, लीनियर एक्सलेटर जो बाजार में किसी भी कंपनी से आप 20-22 करोड़ रुपए के खरीद सकते हैं, वो मशीनें इन्होंने 27-27 करोड़ रुपए में परचेज की हैं। उसके अलावा हाल ही में करीब बिना परचेज ऑर्डर के 4-5 करोड़ रुपए के सामान खरीदने की और चर्चा है। पूरा मामला अकाउंट्स डिपार्टमेंट पर पहुंचा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के एक अफसर ने स्वयं निदेशक से शिकायत की। निदेशक चूंकि खुद ही निदेशक है, उन्हीं के इशारों पर सारी चीजें होती हैं। तो उसके बाद फिर जब निदेशक से तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हुई तो ये मामला शासन पहुंचा। अब शासन के जो प्रमुख, शासन में प्रमुख सचिव आलोक कुमार है, चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमुख सचिव है, उन्होंने नोटिस इश्यू किया है निदेशक को कि इस मामले में आप अपना आके स्पष्टीकरण लें। 7 दिन का समय दिया गया था, हालांकि 7 दिन का जो समय है वो पूरा हो गया है और जहां तक हमें जानकारी मिल पा रही है कि निदेशक साहब आज बैठ के वो ड्राफ्टिंग करा रहे हैं कि जवाब किसी तरह भेजा जाए। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार का एक इतना बड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो लखनऊ की राजधानी लखनऊ में है, वहां पे एक साथ 5-10 मरीज एडमिट होते हैं और जो करोड़ों अरबों खर्च करके अस्पताल का निर्माण कराया गया कि इससे जो कैंसर के मरीज होंगे उन्हें आसानी से इलाज मिलेगा, उनका जो लोग दिल्ली मुंबई भाग के जाते हैं उनका इलाज यहाँ होगा, लेकिन एक भ्रष्ट एडमिनिस्ट्रेटर की वजह से पूरा का पूरा जो इंस्टीट्यूट है वो धराशायी हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि इसकी तरफ निगाह डालने वाला कोई नहीं, क्योंकि जो ये इंस्टीट्यूट है, बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने बनवाया था, और अगर इंस्टीट्यूट अच्छा चलने लगे
करेगा तो उसमें ये कहा जाएगा कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बनवाया है। तो ये तमाम राजनीतिक मायने भी हैं, लेकिन निश्चित रूप से आप ये समझिए कि निदेशक जो मौजूदा निदेशक है उनकी कारगुजारियों की वजह से पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट जो है भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है। मनीष, जैसे आपने बताया ये इसके पहले पीजीआई में थे, शालीन कुमार जो निदेशक है, क्या पहले भी इनके ऊपर इस तरह के कोई आरोप लगे हैं इनकी कार्यशैली को लेकर? अभी पहले की पहले ऐसे कोई आरोप नहीं लग पाए हैं। दरअसल पहले ऐसी पोजीशन पर नहीं थे जहां पर इस तरह की पावर्स इनके पास हों। यहां पर निदेशक बनाने के बाद बहुत सारा, चूंकि इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं उनके पास बहुत सारा एक्स्ट्रा फंड होता है, सरकार की तरफ से बहुत सारे फंड आते हैं जिन्हें इन्हें अपने विवेक के हिसाब से खर्च करना होता है। कोई भी अगर परचेजिंग करती है करना होता है तो सरकार ने जेम पोर्टल की व्यवस्था की है। लेकिन चूंकि बहुत ही शातिर हैं, इन्होंने, इनका कहना है जैसे आप करीब 150 से 200 लोग वहां पर स्टाफ होंगे जिसमें स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय और तमाम कंप्यूटर ऑपरेटर ऐसे इंप्लाइज हैं वहां पर सलीन। लेकिन आप जान के ये हैरान होंगे कि इनकी भर्ती जो है आउटसोर्सिंग के माध्यम से, जेम पोर्टल के माध्यम से होनी चाहिए थी, लेकिन कागजों में इन्होंने हेर फेर किया और कहा कि हम सर्विस ले रहे हैं। यानी सर्विस लेना, सर्विस के थ्रू इन्होंने मतलब मामला घुमा के सर्विस के थ्रू लोगों की भर्ती कर डाली। 25 फैकल्टी, एक डायरेक्टर और एक अकाउंट अफसर, यानी 27 लोगों के दम पर पूरा लखनऊ का जो कैंसर इंस्टीट्यूट है वो चल रहा है। अगर आप देख के आके देखेंगे तो कईयों एकड़ में फैला हुआ है, कई बिल्डिंगें हैं, कई मंजिला बिल्डिंग है। तो अब अंदाजा लगाइए कि इतना बड़ा, इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट एक निदेशक की वजह से पूरा का पूरा बर्बाद हो रहा है। और जो सरकार में और शासन में अफसर बैठे हुए हैं उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि अगर ये इंस्टीट्यूट चलता तो कम से कम उत्तर प्रदेश के जो तमाम कैंसर के मरीज हैं उनको एक बड़ी राहत। बिल्कुल जिम्मेदारी है उसका, ठीक से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। अब आरोप लगे हैं, देखना होगा कार्रवाई होगी या नहीं होगी। शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए। तो लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, कैंसर इंस्टीट्यूट के जो निदेशक हैं शालीन कुमार, उन पर कई सारे आरोप लगे हैं। हाउस कीपिंग में ज़्यादा खर्च करने के आरोप हैं। 22 करोड़ का लीनियर एक्सीलेटर जो आता है उसको 27 करोड़ में खरीदा गया है। और अगली खबर कानपुर से है। एक वर्ष